थी, बट हमें खबर मिली थी कि एक ग्रुप है जो कि एचएम कार्डों से एसोसिएटेड है और वो यूथ को रिक्रूट कर रहा है यहाँ के गांदरबल में, स्पेशली चल रहा था, बाकी जगहों के भी हैं उनमें इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ के जो लड़के हमने आइडेंटिफाई किए, वी वर एबल टू जीरो अराउंड, तीन लड़के हमने अरेस्ट किए हैं गुटलीबाग और यहाँ गांदरबल से। उसमें ये पता चला कि एक फियाज है, फियाज अहमद गुटलीबाग का, जो 2006 में यहाँ से एक्सफिल्ट्रेट करके पाकिस्तान में गया, ही इज सिटिंग देयर। वहां से थ्रू सोशल मीडिया एंड स्पेशली व्हाट्सएप इन इस मैकेनिज्म से मोटिवेट करके इनको ज्वाइन करवा रहे, और इनको ऐसे मोटिवेट करके दे वर अबाउट टू लीव, वी गॉट इन्फॉर्मेशन और अकॉर्डिंगली उनको हमने अरेस्ट किया। फर्दर उन्होंने डिस्क्लोज किया कुछ, तीन ग्रेनेड रिकवर हुए इनके डिस्क्लोजर पे, बट वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चले जाते बच्चे और वहां उसके बाद किसी एनकाउंटर में मारे जाते, और कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। अभी चलो प्रोसिक्यूशन होगा उनको, दे हैव टू फेस द लॉ, बट मोर इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स आर लीस्ट कंसर्न अबाउट देयर चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वो किसकी मोटिवेशन पे जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। अब इनका हम मोमेंट पैटर्न देख रहे हैं, एक अर्शिद जो नामी शख्स है गुटलीबाग का, उसको उसके साथ रेगुलर ये बच्चे टच में हैं। कल शाम को भी पता चला कि बिहामा चौक में तीनों इकट्ठे थे, तो बट पेरेंट्स आर लीस्ट कंसर्न कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि प्लीज अपने बच्चों पे ध्यान रखें, वो किससे मिल रहे हैं, और जिन लोगों से जहां सस्पिशियस कैरेक्टर है हमारे नोटिस मिला है, वी विल टेक एक्शन। ऐसा आगे भी जहां जहां ऐसी हरकत होगी इस पर नजर रखेंगे, एंड वी आर प्रोसिक्यूटिंग दीज पर्सन, इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है और इनको आगे हम